तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है एकदम जगह समझे। और आज मैं हूँ शादी में, मेरी बहन की, छोटी बहन की शादी है अलका की, और मैं इस वक्त बिसलाई गांव में हूँ। और मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि यहाँ पर लिखने का काम है, पैसे कलेक्ट करने का काम है। और वो मेरे पापा जी बैठे हुए हैं, ये है राहुल और ये है मधु और ये है मुस्कान, और ये है शादी का माहौल। और वहाँ पर अभी दूल्हा दुल्हन बैठे नहीं हैं, थोड़ा सा खाना पीना चालू हो चुका है वगैरह। मैं अभी जा नहीं सकता ना कहीं भी, तो मैं ना गट्टू को फ़ोन देता हूँ। गट्टू यहाँ पर बनाएगी पूरा वीडियो, मेरी छोटी बहन। तो तुम्हारा भाई अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा क्या है कि बाल मेरे छोटे हैं, है ना, तो बट कोई बात नहीं, वैसे भी चमकते अपन। गाइस राहुल कहीं बोलना चाहेगा, ये है गेट, एंट्री गेट, और वो रही अलका। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाया नहीं है बहुत सारा, क्योंकि इतना काम कर रहा था, लिखने में बिजी था, और गट्टू मुझे मिली नहीं थी, और अभी वक्त भी ना है। तो अब फेरे शुरू हो रहे हैं और अपन ब्लॉग बना रहे हैं। ये इधर जीजा खड़े हुए हैं, तो शायद ऐसा कुछ रिवाज है कि भाई फेरे नहीं देख सकता क्या। अरे यार मेरा ये मुझे ऐसा रिवाज पहली बार पता चला है, और पता नहीं इसलिए मैं फेरे आप लोगों को नहीं दिखा पाया। फेरे बाहर चल ही रहे हैं और मैं इधर किचन में आ चुका हूँ, ठीक है। अभी सब सारा अस्त व्यस्त रखा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लेकर आ गए थे, समेट के जो भी ज़्यादा नहीं बचा, बट बच जाए चलता है, कम नहीं बढ़ना चाहिए, अपना एक ही वो सब। चल चल वो समंदर नाच लेते। फेरे हो रहे हैं, इसी के लिए ही इतना खर्चा किया गया शादी ब्याह। ये भाई एक पिता अपनी बेटी को, मतलब अपनी बेटी का पूरा घर बसाता है, सब कुछ देता है उसके लिए, हर चीज की एक घर खड़ा कर दे, इतना कुछ क्योंकि बेटी है, सब कुछ है। दिन में तो फिर शायद हो चुके हैं, ढोल की आवाज़ बंद हो चुकी है, और अभी रात के बज रहे हैं 4:30, और 4:30 बजे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं, हो चुका होगा कार्यक्रम। तो फाइनली फेरे हो चुके हैं और मैं वापस आ चुका हूँ, और ये तो जो मतलब अपनी स्वेच्छा से जो अपनी बच्ची को देते हैं वो बर्तन अब करते हैं। और जय जय श्री राम, और अब मांग भरना। शुभ मंगल यह गीत गा।